जय जिनेंद्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन चेन्नई से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त ये है जो घिसा है वही चमका है। बी तरह से हीरे को कोई नहीं पहचानता, जानते तो सभी है पर पहचानते कोई नहीं। जी हाँ, मेरी इस बात से आप सब अवश्य ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है कौन है हीरा, कौन है कांच। जी हाँ, तो इसी टॉपिक पर आज हम करेंगे चर्चा। जैसा कि मैं अपने वीडियो पे अपनी बात किसी उदाहरण किसी कहानी के माध्यम से कहती हूँ ताकि बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए किसी भी कहानी के माध्यम से आप समझ लेते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा का दरबार लगा था। आज राजा ने अपना दरबार खुले आसमान के नीचे लगाया था। सभा पूरी भरी हुई थी, राज्य के सभी लोग वहां खचाखच भरे हुए थे। राजा के परिवार के भी बहुत से लोग वहां बैठे थे। मंत्रीगण, सभापति, पंडित सब वहां बैठे थे। एक टेबल पर बहुत ही बेसकीमती सामान भी वहां रखे हुए थे। बहुत ही अच्छे से दरबार खचाखच भरा हुआ था। तभी एक आदमी वहां पे आया। उसने उस सभा में आने की अनुमति मांगी। उसे अनुमति मिल गई, वो अंदर आया। उसने राजा से कहा, मेरे पास दो बहुत ही बेसकीमती दो वस्तुएं हैं, जिसमें एक बेसकीमती है और एक पत्थर है। अगर आपके इस दरबार में कोई भी उन वस्तुओं को देखकर अगर ये पहचान ले कि ये बेसकीमती है और ये पत्थर है, कांच का टुकड़ा है, तो मैं उस बेसकीमती सामान को आपके राजकोष में जमा कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत से राज्यों से बहुत सालों से घूम रहा हूं इन वस्तुओं को लेकर, पर आज तक किसी राजा के दरबार में किसी भी राज्य में इन वस्तुओं की पहचान कोई नहीं कर पाया। इस प्रकार मैं वो शर्त भी रखता हूं कि अगर ना पहचान पाए तो जो बेसकीमती मेरे पास वस्तु है उसी के नाप उसी के मूल्य के मुझे संपदा मिले। तो मैं इसी तरह से बहुत सारे संपदा को कमाता हुआ, बहुत से राज्यों में घूमता हुआ, अब विजयी होता हुआ आज आपके दरबार में आया हूं। आज तक तो किसी ने भी इन वस्तुओं को पहचाना नहीं, पर देखता हूं आपके दरबार का बहुत नाम सुना है, तो देखता हूं क्या मेरी इन वस्तुओं को आपके दरबार में पहचान मिलेगी या यहां भी मुझे बहुत सारा धन मिलने वाला है। और मेरी शर्त यही है कि अगर ना पहचान पाए तो उस बेसकीमती सामान की जितनी कीमत है उतनी कीमत मुझे मिलनी चाहिए, और अगर पहचान लिया जाएगा तो मैं इस बेसकीमती सामान को आपके राजकोष में जमा कर दूंगा। उसने अपनी दोनों वस्तुएं एक झोले से निकाली और उस खुले आसमान के नीचे जहां सूरज की तपती किरणें पड़ रही थी टेबल पे उसने उन दोनों वस्तुओं को रख दिया। वो वस्तुएं हूबहू एक जैसी थी, एक ही आकार की, देखने में एक जैसी, बिल्कुल दोनों से प्रकाश निकल रहा था। तभी राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक जैसी है। तो उसने कहा, जी नहीं राजा जी, इसमें एक तो कांच का टुकड़ा है और एक हीरे का, बस यही पहचान करनी है कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। हर व्यक्ति घबरा गया क्योंकि वो दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, उनमें कोई फर्क नहीं था, दोनों से प्रकाश एक जैसा निकल रहा था, उनकी साइज एक जैसी थी, देखने में वो बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। सब डर गए, किसकी पहचान कैसे करें कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच, अगर कुछ गलती हो गई तो राजा दंड दे सकता है। सभी घबरा गए थे। सेनापति, पंडित, विद्वान जो भी वहां उपस्थित थे वो भी यही सोच रहे थे, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है बताने में तो हमारे
राज्य का नाम भी, राजा का नाम भी नीचा होगा, क्या करें। अचानक से एक बुढ़ा व्यक्ति जो अंधा भी था उस भीड़ में से उठा और उसने कहा, राजा जी आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं इस इन दोनों वस्तुओं को देखकर पहचान कर आपको बता सकूं कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। राजा विचार में पड़ गया, यहाँ इतने विद्वानगण, सभापति, सेनापति, पूरी पब्लिक, पूरा राज्य खचाखच भरा हुआ है, उनमें से ये वृद्ध व्यक्ति सामने आ रहा है, क्या करूं। अगर हार गया तो राज्य का नाम नीचा होगा, पर क्या करें। बहुत विचार करने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति को अनुमति दे दी। वृद्ध व्यक्ति सामने आया, उसने दोनों वस्तुओं को, जो एक कांच का टुकड़ा था और एक हीरे का जो हूबहू एक जैसा दिख रहा था, दोनों की रोशनी एक समान निकल रही थी, उसने दोनों को हाथ में रखा और एक मिनट के लिए हाथ में रखने के बाद उन्होंने कहा, ये हीरा है और ये कांच है। उसने जैसे ही ऐसा कहा, वो व्यक्ति जिसकी वो वस्तुएं थी वो स्तंभ रह गया। उसने कहा, राजा जी इसने इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ये हीरा है और ये कांच है। आज तक मैं बहुत से राज्यों में घूमता आया हूँ, पर आज तक मेरी वस्तु को किसी ने भी नहीं पहचाना, पर आपके राज्य में लगता है बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, बहुत ही बुद्धिमान लोग रहते हैं, इसीलिए आज मेरी इस वस्तु की पहचान हो गई है। मैं ये अमूल्य वस्तु हीरा आपके राजकोष में जमा करता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वो वृद्ध व्यक्ति के पास आते हैं और राजा उससे पूछते, आपने इसे कैसे पहचाना कि ये हीरा है और ये कांच है, वो भी बिना देखे। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ये तो बहुत ही सरल है, हीरे और कांच को पहचानना। हम खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, तपती सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जो हीरा है वो इस तपती किरण से गर्म नहीं होगा, पर जो कांच है वो तपती किरण से गर्म हो जाएगा। कांच गर्म है इसलिए मैंने पहचाना कि ये कांच है, वो हीरा अब भी ठंडा है तपती किरण पड़ने के बाद भी, तो ये इस तरह से मैंने इन दोनों की पहचान की है। तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस वृद्ध को बहुत सारा इनाम देके विदा किया। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, बात बात पे जो गर्म हो जाते हैं ना, वही होते हैं कांच, और जो विपरीत परिस्थितियां आने पर भी कूल बने रहते हैं, ठंडे बने रहते हैं, वो होते हैं हीरे। हमें क्या बनना है, हम क्या हैं, अपनी पहचान हम कर सकते हैं, हीरे बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कितनी भी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आए, पर हमें कूल बनकर उनका समाधान करना चाहिए। हर समस्याओं का समाधान अवश्य ही निकल जाता है। बार बार पर गर्म होकर हमें कांच नहीं बनना है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे उदाहरण अवश्य ही पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।